एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉम्बो की इन पेंसिल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये मैंने रिसेंटली परचेस किया था और काफ़ी दिनों से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ और इनका यूज़ करके मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट्स भी बनाए हैं। तो ये सब पोर्ट्रेट्स बनाने के बाद इनका एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए लाया हूँ। तो आपने आखिर ये परचेस करना चाहिए या नहीं उसको डिसाइड करने के लिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स द वीडियो स्टार्टेड। तो वैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इनके आउटर पैकेजिंग की। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ये पेंसिल्स लूज में है क्योंकि मैंने इनको लूज में परचेस किया है, मैंने इनका बॉक्स खरीदा नहीं है। तो एक्चुअली टॉम्बो में दो टाइप के पेंसिल्स आते हैं, एक तो ये टॉम्बो होमोग्राफ एंड दूसरा जो है वो टॉम्बो 100 जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो ये थोड़ा सा चीपर साइड में है। अगर हम आउटर पैकेजिंग की बात करें तो कुछ ऐसे हमें शाइनी से आउटर लेयर में ये पेंसिल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन है हाईएस्ट क्वालिटी टॉम्बो होमोग्राफ, यहाँ पे प्रॉपरली ग्रेड लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो और क्वालिटी काफी अच्छी है। मतलब जब आप होल्ड करोगे पेंसिल को और जब आप ड्रॉ करोगे तो काफी अच्छे से बैलेंस्ड वेट है इसका, ज्यादा लाइट भी नहीं है और ज्यादा हेवी भी नहीं है। तो आप अच्छे से आप इसको यूज करके अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे इनके वुड क्वालिटी के बारे में। तो गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा है क्योंकि जब आप शार्प करते हो इन पेंसिल्स को विथ शार्पनर तो वो जो आपके वुड के चिप्स है वो ज्यादा क्रिस्प नहीं निकलते एंड दैट इज द रीजन मेरे को इनके वुड क्वालिटी में थोड़ा सा इश्यू लगा। बट अदर देन दैट इसमें कोई भी लीड ब्रेकेज नहीं है। मैं आपको एक पेंसिल को शार्प करके अभी दिखा देता हूँ। सो गाइस शार्प करने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल शार्पनर का यूज कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें काफी फाइन पॉइंट मिला है बट इनका जो वुड चिप्स है वो उतने स्मूथ नहीं निकलते, तो वो एक चीज मुझे डाउनसाइड लगी है इन पेंसिल्स के। अदर देन दैट ये पेंसिल्स काफी अच्छी लगी मुझे। अब हम बात कर लेते हैं इनके शेडिंग की। तो गाइज कुछ इस प्रकार के हमें इससे शेडिंग देखने को मिल जाती है और गाइज ट्रस्ट में काफ़ी स्मूथ से पेंसिल्स है ये, काफ़ी अच्छे से इनसे शेडिंग हो जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी पैचेस नहीं देखने को मिलेंगे और ये पेंसिल्स मुझे इन मामले में काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें आपको कोई भी पैचेस देखने को नहीं मिलेंगे और आपकी जो शेडिंग है और वो जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी अच्छे से आप स्मूथली कर सकते हो। अभी हम इन पेंसिल्स को ब्लेंड करके देख लेते हैं। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर अभी ड्राई ब्रश यूज़ करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं आपको। हाँ हल्का सा थोड़ा सा डस्ट, ग्रेफाइट डस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप हाइपर रियलिज्म या फिर रियलिज्म ड्रॉ करना चाहते हो, कुछ भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करेगी क्योंकि इन पेंसिल्स का यूज़ करके आप कोई भी शेडिंग प्रॉपरली कर सकते हो और वो जो ब्लेंडिंग है उसके बाद कोई भी आपको पैचेस इसमें दिखाई नहीं देंगे। चलिए अभी गाइज हम डार्कनेस की बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू लगा क्योंकि ये पेंसिल्स आपको सिर्फ 6 शेड्स में मिलती हैं, मेरे पास अभी फिलहाल 4 ही शेड्स अवेलेबल है। एंड गाइज ये पेंसिल थोड़ा सा आपको डार्कनेस की तरफ ज़्यादा मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एच बी यूज़ कर रहे हो तो उसका आपको ग्रेड थोड़ा सा एक डार्क ज़्यादा मिलेगा, लाइक बी में आएगा, और अगर आप 2B यूज़ कर रहे हो तो वो 3B में आएगा। जब आप कंपेयर करोगे इनको किसी और ब्रांड के साथ में तो आपको थोड़ा सा डार्कनेस इसमें ज़्यादा मिलेगा और इसका जो हाईएस्ट ग्रेड है वो है 6B। इसके आगे कोई भी पेंसिल्स आपको नहीं मिलेगी, कोई भी ज़्यादा ग्रेड वाली 8B या फिर 10B। बट इसकी जो ये 6B पेंसिल है इसकी जो डार्कनेस वैल्यूज़ है अगर आप किसी और ब्रांड के साथ कंपेयर करोगे तो वो 7B to 8B आएगा। तो ये चीज़ मुझे डाउनसाइड लगी क्योंकि अगर आप ग्रेड्स के साथ किसी ड्रॉइंग को यूज़ कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जा सकती है कि ग्रेड्स कौन सी यूज करना चाहिए क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो थोड़ा सा एक ग्रेड हाई है, राइट। सो दैट इज द रीजन मुझे इनके डार्कनेस में थोड़ा सा इशू लगा। तो गाइस अभी हम प्राइस की बात करेंगे। तो ये पेंसिल्स आपको अगर लूज में खरीदोगे तो 60 रुपीज की एक आती है। तो 60 रुपीज में आप कोई भी ग्रेड ले लो, सारे ग्रेड के पेंसिल्स एक ही रेट में मिलेगी। अगर आप 6B भी ले रहे हो वो भी आपको 60 रुपीज की ही आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए गाइज तो हाँ डेफिनेटली आई कैन रिकमेंड इट टू यू गाइज, और अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो पेंसिल्स काफी अच्छी है, काफी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है और काफी रियलिस्टिक से इफेक्ट आपको ड्रॉइंग में मिलेंगे। इनका जो कंपेरिजन अदर ब्रांड्स के साथ वो मैं डेफिनेटली अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझे बताओ। एंड यस गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।